नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलियंस। हेलो एल्केन्स और हेलो एलियंस क्या है, सबसे पहले इनकी बात करें। अपने 11th क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की थी, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने स्टडी किए थे किसको, हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स इनकी स्टडी अपने 11th क्लास में कर चुके हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली अपने जो फर्स्ट जो हाइड्रोकार्बन को स्टडी किया था वो किया था अपने एल्केन्स को, और एल्केन्स का जो फॉर्मूला था वो था CnH2n+2। ये एल्केन्स हो गया। तो हेलो एल्केन्स किससे बना है, एल्केन से ही बना है। एल्केन के साथ में अगर अपने वर्ड क्या जोड़ा गया है, हेलो वर्ड जोड़ा गया है। ठीक है, तो एल्केन के साथ हेलो वर्ड जोड़ दिया तो अपने पास क्या बन गया, हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्केन, जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, उस एल्केन स्ट्रक्चर में से अपने क्या करें, एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो अपने क्या करें कि जो एल्केन्स है उन एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है उनकी बात करें, या एल्केन्स, तो एल्केन में से वन हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। और इसके साथ क्या ऐड कर दें, अपने हैलोजन ग्रुप को ऐड कर दें, तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, हेलो एल्केन्स का बन जाएगा। ठीक है, कि जब आपने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, व्हेन वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स, वी गेट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिंग्स। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्या करें कि जो एल्केन सीरीज है उस एल्केन सीरीज में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और उसके जगह क्या अटैच कर दिया, हैलोजन ग्रुप अटैच कर दिया। अब हैलोजन्स क्या क्या हो सकते हैं, कि जो एक्स ग्रुप है वो क्या क्या है, तो एक्स क्या क्या हो सकता है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे क्या हैं, हैलोजन हैं। तो इनको ऐड करना है किसके साथ, जब अपने यहाँ से क्या रिमूव करते जाएंगे, हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अपने ले सकते हैं कि एक सिंपल सा एल्केन का एग्जांपल होता है CH4। ठीक है, इस CH4 में से क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो ये जो ग्रुप बना वो ग्रुप कौन सा बन गया, CH3 बन गया। ये तो क्या था, एल्केन था, और एल्केन से जब हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या बन गया, एल्किल बन गया। तो ये जो एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप के साथ क्या करें, अपने हैलोजन ग्रुप को अटैच कर दें, तो CH3X, तो ये क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। ठीक है, कि आपने क्या किया कि इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया, और हाइड्रोजन को रिमूव करके आपने क्या अटैच कर दिया, इसके साथ हैलोजन ग्रुप को अटैच कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसी तरह से अपने अब एक्स के जगह मैं क्या ले सकता हूँ, कि इनमें से कोई एक ग्रुप ले सकता हूँ, तो मैंने लिया CH3Cl, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एल्किल में कितने कार्बन है, वन कार्बन है, तो ये क्या हो गया, मैथिल, और क्या जोड़ा है, Cl जोड़ा है, तो मैथिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो नाम हो गया वो नाम क्या बना, मैथिल क्लोराइड। ठीक है, और अपने क्या कर सकते हैं, कि जैसे अपने पास अगर सेकंड जो मेंबर है इस स्ट्रक्चर का वो कौन सा होता है, C2H6 क्या हो गया हमारे, एथेन, जैसे ये क्या था, मेथेन था, और मेथेन के जगह आपने क्या ले लिया, यहाँ पर एथेन ले लिया, तो एथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5, और C2H5 जो ग्रुप बन रहा है, इस C2H5 ग्रुप को क्या बोलते हैं अपने, एथिल ग्रुप हो गया। इस एथिल ग्रुप के साथ में आपने क्या किया कि हैलोजन ग्रुप को अटैच कर दिया, तो C2H5Cl, तो ये क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। तो एल्किल हैलाइड जो वर्ड बना है वो एल्किल हैलाइड वर्ड आपको समझ में आ गया, कि जब अपने एल्केन्स में से
वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे। अब वन और मोर देन, जैसे मैंने यहाँ पर जितने भी एग्जांपल लिए हैं वो वन हाइड्रोजन एटम को रिमूव किए हुए एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। अब मोर देन वन हाइड्रोजन एटम भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे अपने मेथेन का एग्जाम्पल है, तो मेथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH4। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3। अगर आप दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, CH2। और तीन हाइड्रोजन को अगर रिमूव करते हैं तो क्या हो जाएगा, CH। और चारों अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो अकेला C आ गया। अब इस रिमूव हाइड्रोजन के साथ में आप क्या करते जाते हो, हैलोजन को अटैच करते जाते हो, जैसे Cl ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, CH3Cl, CH2Cl2, ये हो गया CHCl3 और ये हो गया CCl4, ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम क्या बन जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसको कॉमन लैंग्वेज में अपने क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और इसको क्या नाम दिया जा सकता है अपने पास, डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। और ये क्या है, क्लोरोमेथेन, ठीक है। या इसको अपने क्या नाम दिया था, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये इनके नाम बन गए। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि जो मेथेन एक सिंपल एग्जांपल लिया आपने एल्केन सीरीज का, और इस सिंपल एग्जांपल में से मैंने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता जा रहा हूँ, और इस हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हुए मैं यहाँ पर किसको अटैच करता जा रहा हूँ, हैलोजन एटम को अटैच करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर तो मैंने एक क्लोरीन को ही ऐड किया है, यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, एक क्लोरीन को एक ब्रोमीन को ऐड कर सकते थे, यहाँ पर भी आप डिफरेंट टाइप के जो हैलोजन एटम है उनको अटैच आप कर सकते थे। तो ये तो अपने जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो उस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें अपने क्लियर करते जाएंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स जो हमारे हैलोजन हेलो एल्केन्स के बनेंगे वो इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक डेफिनेशन देनी थी कि एक्चुअल में जो हेलो एल्केन्स हैं या जो दूसरा जो हमारा जो पार्ट इसका जो बचा हुआ है वो कौन सा है, हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स, एरिन्स किसको बोला जाता है कि हमारे दिमाग में जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जब बात आती है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे हमारे दिमाग में आता है तो अपने दिमाग में क्या आ जाती है, बेंजीन आ जाती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ बेंजीन का एग्जांपल ही हो, जिनमें बेंजीन होते हैं तो उनको बेंजीनोइड कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है, कि जहां पर क्या उन प्रेजेंट होगी, बेंजीन प्रेजेंट होगी, उन कंपाउंड्स को अपने नाम क्या देंगे, बेंजीनोइड्स कंपाउंड नाम देंगे। तो इस बेंजीन में से अपने जो बेंजीन का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या था, C6H6 फॉर्मूला हो गया। तो इस C6H6 फॉर्मूले में से आपने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, C6H5। तो C6H5 जो ग्रुप बन रहा है जिसको अपने क्या बोला जाता है, फेनिल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। इस ग्रुप का नाम क्या देते हैं अपने, फेनिल ग्रुप। इस फेनिल ग्रुप को अपने, इस फेनिल ग्रुप के साथ अगर अटैच किसको कर दिया जाए, हैलोजन को अटैच कर दें तो C6H5X। तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला किसका हो जाता है, हेलो एरिन्स का हो जाता है, ठीक है। तो C6H5X जो फॉर्मूला बना वो किसका बन जाता है, हेलो एरिन्स का बन जाता है, क्लियर है चीज। तो अपने यहां पर बेंजेनोइड्स, हेलो एरिन्स की जो बात की जा रही है, उस हेलो एरिन्स में अपने बात की जा रही है एक्चुअल में बेंजीन की, मींस बेंजीनोइड्स कंपाउंड की बात करूंगा कि इस बेंजीन के साथ जब हैलोजन का अटैच करवाते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अपने पास ये बेंजीन होगी और इस बेंजीन के साथ क्लोरीन को अटैच कर दिया तो क्लोरोबेंजीन बन गया, बेंजीन के साथ में आपने फ्लोरीन को अटैच कर दिया तो फ्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। इसके साथ अगर ब्रोमीन को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ये बेंजीन के ही कंपाउंड है, मीन्स बेंजीनोइड्स कंपाउंड्स है, या आपने बेंजीव डेरिवेटिव बोल सकते हैं, जिसके अंदर बेंजीन जो इस स्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट्स रहता है, इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन का रिमूव कर देते हैं और उस एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके जगह अपने क्या ले आते हैं, जो हैलोजन एटम है उस हैलोजन एटम को यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अपने पास यहाँ पर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के कॉमन फॉर्मूले बन जाते हैं। वो कॉमन फॉर्मूलेज क्या हैं कि आपके पास जो एल्किल ग्रुप है,
ठीक है, एल्किल। इस एल्किल ग्रुप को अपने रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से, और हैलोजन। इसी तरह से सेकंड क्या हुआ हमारे पास, एरिल ग्रुप, ठीक है, जो एरिन से बनेगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ए आर से, ठीक है। और हमारे पास सेकंड जो इसके साथ जुड़ेगी चीज़ वो क्या जुड़ेगा, हैलोजन, ठीक है। हैलोजन में जो हैलाइड का अटैचमेंट इसके साथ करते हैं, उन हैलाइड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एक्स से। तो एल्किल हैलाइड का, हेलो एल्केन्स को कॉमनली अपने जो नाम दिया जा सकता है वो क्या नाम दिया जा सकता है, एल्किल हैलाइड्स। तो इन एल्किल हैलाइड्स का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, आर एक्स बन गया। इसी तरह से सेकंड जो हेलो एरिन्स है, इन हेलो एरिन्स का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड्स। और एराइल हैलाइड्स का जो कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए आर एक्स। तो अपने इनको नए नाम से जानेंगे, आर एक्स और ए आर एक्स। तो आर एक्स किसको बोला जाएगा, एल्किल हैलाइड को बोला जाएगा, और ए आर एक्स किसको दिया जाएगा, जो एरिल हैलाइड है, उन एरिल हैलाइड्स को जो नाम दिया जाएगा वो ए आर एक्स नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन अपने फॉर्मूले कर लिए दोनों के, कि दोनों हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने यहाँ पर, जिसमें अपने यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन की बात करनी है। हेलो एल्केन्स का जो कॉमन फॉर्मूला आपने बताया है वो कॉमन फॉर्मूला क्या बताया है, आर एक्स बताया है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन करना है, तो इसको क्लासिफाई, किसी चीज़ को जब क्लासिफाई किया जाता है तो उसका कोई ना कोई बेस रखा जाता है। तो यहाँ पर किस बेस पर अपने इसको क्लासिफाई किया जाएगा, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैलोजन एटम, ठीक है। तो हैलोजन एटम का जो नंबर है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। तो अपना जो यहां पर देखो क्लासिफिकेशन का जो बेस ले रहा है वो कह रहा है नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि जो एल्किल हैलाइड ग्रुप है उस एल्किल हैलाइड ग्रुप के साथ कितने हैलोजन एटम अटैच हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला हमारे पास जो टाइप आता है वो कौन सा आ जाता है, इसका अगर करें तो वो आ जाता है मोनो, ठीक है, मोनो हैलो एल्केन्स अब मोनो हैलो एल्केन्स का मतलब देखो, मोनो हैलोजन ग्रुप कितना है, वन है, ठीक है। तो मोनो हैलो एल्केन्स, तो मोनो हैलो एल्केन्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या क्या हो जाएंगे, जैसे अपने ले सकते हैं CH3X हो सकता है, ठीक है, CH3CH2X हो सकता है, या आपने कह सकते हैं CH3CH3X हो सकता है, जिसमें हैलोजन एटम का नंबर कितना रहता है, पूरी जो एल्केन जो एल्किल ग्रुप है उस एल्किल ग्रुप के अंदर हैलोजन एटम का जो नंबर रहेगा वो हैलोजन एटम का नंबर कितना रहेगा, वन रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास वन हैलोजन एटम होता है। इसके अंदर अगर अपने बात करें तो इसमें वन हैलोजन एटम है, ठीक है। अब वन हैलोजन एटम प्रेजेंट है इसके अंदर, अब इसको आप आगे फिर क्लासिफाई कर सकते हो, किस बेस पर आपने कह सकते हैं कि इसको आपने कह सकते हैं कि ये जो हेलो एल्केन्स जो मैन मोनो हेलो एल्केन्स जो बना है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, या टर्शरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है। इसको अपने मोनो एल्केन्स हेलो एल्केन्स को दूसरा नाम जो दिया जा सकता है वो क्या दिया जा सकता है, जो एल्किल हैलाइड जो नाम दिया गया है वो एल्किल हैलाइड्स बेसिकली इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये एल्किल हैलाइड किस टाइप का है, हमारे पास प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, या टर्शरी एल्किल हैलाइड है, वन डिग्री एल्किल हैलाइड, टू डिग्री एल्किल हैलाइड,
या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है उसका अपने को और पता करना है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर देखें कि प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि जो हैलोजन एटम अटैच है, जैसे यहाँ पर ये हैलोजन एटम अटैच है, ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 कार्बन के साथ। दैट मीन्स ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है। तो ये जो एल्किल हैलाइड हुआ वो कौन सा हुआ, प्राइमरी एल्किल हैलाइड हुआ। यहाँ पर हैलोजन एटम का जो अटैचमेंट दिखाया गया है, ये हैलोजन एटम आगे दो, ये जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन एटम का अटैचमेंट दिखाया गया है, ये आगे 2 कार्बन से अटैच है। मींस ये जो कार्बन है वो कौन सा हो गया, सेकेंडरी। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोला जा सकता है। सेम थिंग मैं एक एग्जांपल और लेता हूं यहां पर, तो यहां पर देखें कि जो हैलोजन ग्रुप का आपने अटैचमेंट किया है वो हैलोजन ग्रुप आगे 3 कार्बन एटम से अटैच है। दैट मीन्स ये टर्शरी कार्बन हो गया और इस टर्शरी कार्बन के साथ हैलोजन का अटैचमेंट हो रहा है, इसीलिए अपने इसको क्या नाम दिया सकता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इसको नाम दिया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें कि ये जो हैलोजन है वो हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो इसको आप क्या बोलते हो, सिंपली नाम दिया जाएगा मैथिल हैलाइड ही इसको नाम दिया जाएगा। ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एग्जांपल हो गए। आप मोनो हेलो एल्केन्स की बात की थी, तो मोनो हेलो एल्केन्स में जो कार्बन का जो नंबर होता है वो कार्बन का नंबर, सॉरी हैलोजन का जो नंबर होता है, 1 हैलोजन एटम अटैच रहता है, और ये जो 1 हैलोजन एटम है वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, इस पर अपने पास इसका क्लासिफिकेशन देखा गया। फर्दर फिर इसको क्लासीफाई किया गया, तो इसको 3 क्लास में क्लासीफाई कर दिया अपने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी के अंदर अपने इसको क्लासिफाई किया, सेकेंडरी में किया, और तीसरा जो इसका हुआ वो हमारा हो गया टर्शरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये तो अपने किसको क्लासिफाई किया था, हेलो एल्केन्स को किया था। सेम थिंग आप हेलो एरिन्स का भी मोनो हेलो एरिन्स बना सकते हैं। अब मोनो हेलो एरिन्स कैसे बनेगा, ये भी ए टाइप के अंदर आता है, मोनो हेलो एरिन्स। अब मोनो हेलो एरिन्स का मतलब क्या होगा कि ये अपने पास एरिन रिंग होगी और इसके साथ में हेलोजन एटम का अटैचमेंट दिखाया गया है, तो ये क्या हो जाता है, मोनो हेलो एरिन्स हो जाता है, या जिसको अपने क्या बोल दिया जाता है, हेलो बेंजीन कह दिया जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, हेलो बेंजीन। अब इस कंपाउंड में देखा जाए तो ये कंपाउंड भी किसका है, हेलो एरिन्स का या मोनो हेलो एरिन्स का ही टाइप है, लेकिन इसका नाम आप हेलो बेंजीन नहीं कह सकते। ये जो ग्रुप बना वो ग्रुप कौन सा हो जाता है, बेंजाइल ग्रुप हो जाता है। कौन सा ग्रुप है ये, बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, तो बेंजाइल हैलाइड्स, इस ग्रुप को आप क्या बोलते हो, बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, 11th क्लास में अपने किए हुए हैं, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो ग्रुप। ठीक है, तो ये ग्रुप कौन सा है हमारा, बेंजाइल ग्रुप है, और इसी से इसके साथ आपने हैलोजन का अटैचमेंट कर दिया तो ये क्या बन गया, बेंजाइल हैलाइड की फॉर्मेशन आप यहाँ पर कर देते हो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बेंजाइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन आपने कर दी। ठीक है, तो ये मोनो हेलो एरिन्स का अपने क्लासिफिकेशन था कि मोनो हेलो एरिन्स किस टाइप से अपने पास बन सकते हैं, या मोनो हेलो एल्केन्स किस टाइप से बन सकते हैं। अब मोनो के बाद में अपने क्या करते हैं, इसमें डाई हेलो एल्केन्स की बात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात अपने किसकी करते हैं, यहाँ पर बी टाइप इसका देते हैं, उसमें अपने पास आ जाता है डाई हेलो एल्केन, और दूसरा इसका हो सकता है डाई हेलो एरिन्स। ठीक है, अब डाई हेलो एल्केन्स और डाई हेलो एरिन्स का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो अपने कह सकते हैं कितने हैलोजन एटम जुड़े हुए होंगे, अपने कह सकते हैं 2 हैलोजन एटम्स का यहाँ पर अटैचमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 हैलोजन एटम अपने को जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। अब ये जो 2 हैलोजन एटम जुड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अपने मैं एग्जाम्पल लूँ, एक एग्जाम्पल ये हुआ CH2Cl2। ठीक, अब CH2Cl2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस CH2 के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है,
तो ये सारे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं वो सारे एग्जांपल किसके हो जाते हैं, डाई हेलो एल्केन्स के एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है, किसके एग्जांपल हैं, डाई हेलो एल्केन के एग्जांपल है, जिसमें दो हेलोजन एटम एक साथ जुड़े हुए हैं। अब वो जो एक साथ अपने कह सकते हैं सेम कार्बन एटम पर भी हो सकते हैं और डिफरेंट कार्बन एटम पर भी ये हो सकते हैं। ठीक है, कि जो आपने कहा कि टू हेलोजन एटम का जो अटैचमेंट शो किया है वो टू हेलोजन एटम का जो अटैचमेंट है वो सेम कार्बन पर भी हो सकता है और डिफरेंट कार्बन एटम पर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो इसका सेम पर ही होगा क्योंकि कार्बन का नंबर वन है, यहाँ पर टू कार्बन अपने लिए तो ये क्या दो डिफरेंट कार्बन एटम पर हैं। क्लियर होगी चीज़ अपने पास। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ये भी बन सकता था CH3CH Cl Cl। ठीक है, तो अब ध्यान देना है अपने को, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर डाई हेलोजन एटम अपने डाई हेलो डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, इस डाई हेलो डेरिवेटिव्स के अंदर कि अगर जो दोनों हेलोजन एटम हैं वो सेम कार्बन के ऊपर है तो सेम कार्बन पर जब इनका अटैचमेंट होता है तो उसको क्या नाम देते हैं अपने, जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड्स उनको नाम दिया जाता है। ठीक है, और अगर डिफरेंट पर है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट के ऊपर है और डिफरेंट भी क्या है नज़दीक वालों पर है, दूर नहीं है नज़दीक है, तो इसको क्या नाम दिया जाता है, विसिनल डाई हैलाइड्स कहा जाता है। अगर सेम पर है तो क्या नाम देंगे, जेम डाई हैलाइड्स नाम देंगे, और दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर है तो टू एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर होगा तो उसको नाम क्या दे दिया जाएगा, विसिनल डाई हैलाइड्स नाम दे दिया जाएगा। इस एग्जांपल में बात कर सकते हैं आप, इस एग्जांपल में देखें तो मैंने यहाँ पर तीन एग्जांपल एक साथ लिखे हैं जिसमें कार्बन का नंबर तीन है। अब यहाँ पर देखें कि जो दोनों हैलोजन एटम है वो सेम कार्बन पर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया, जेम डाई हैलाइड्स का एग्जांपल हो गया। सेकेंड अपने देखें ये वाला एग्जांपल जिसमें जो हेलोजन एटम है टू एडजेसेंट कार्बन एटम पर आ रहे हैं, तो टू एडजेसेंट कार्बन एटम पर आ गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, विसिनल डाई हैलाइड हो गया। अब ये क्या अगर बात करें तो ये तो ना तो दो नज़दीक एक पर ही आ रहा है या दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर भी नहीं आ रहा है, नेबरिंग कार्बन एटम पर भी नहीं आ रहा है, तो ये डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है। इसे आप जेम डाई हैलाइड नहीं बोल सकते, नहीं आप इसे विसिनल डाई हैलाइड्स नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की कैटेगरी में ये नहीं आएगा, जेम डाई हैलाइड्स की कैटेगरी में भी नहीं आएगा और विसिनल डाई हैलाइड्स की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप क्या दे सकते हो, जैसे इस कार्बन को अल्फा नाम दे दिया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, तो अल्फा बीटा अल्फा गामा डाई हैलाइड्स आप इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये आप इसका नाम यहाँ पर दिया जा सकता है। अब डाई हैलाइड्स के बाद में नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा एग्जांपल वो कौन सा आ जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन्स की बात कर लेते हैं। ट्राई हेलो एल्केन्स में क्या होगा कि अपने कहते हैं कि यहाँ पर थ्री हेलोजन एटम अटैच रहेंगे। ठीक है, अब थ्री हेलोजन एटम अटैच रहेंगे तो एक एग्जांपल हो सकता है CH Cl3 का एग्जांपल हो गया जिसको अपने क्लोरोफॉर्म नाम दिया है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है, ट्राई हेलो एल्केन्स का एग्जांपल हो जाता है जिसमें तीन हेलोजन एटम कार्बन एक जो एल्किल हैलाइड जो ग्रुप है इस एक एल्किल हैलाइड ग्रुप के अंदर अटैच रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अपने पास टेट्रा हो सकता है, नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, इसमें टेट्रा हेलो एल्केन्स हो सकता है। तो टेट्रा हेलो एल्केन्स में क्या एग्जांपल आ जाएगा कि अपने कहते हैं कि एक एल्केन ग्रुप के अंदर आपके पास फोर हेलोजन एटम अटैच रहते हैं, जैसे CCl4 एग्जांपल हो गया, तो ये टेट्रा हेलो एल्केन्स आ जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने जो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का जो फर्स्ट टाइप था कौन सा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, वो अपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे अपने।